मतलब ये हम तो मतलब यहाँ पर होश संभाला तो हमारे बाप दादा खड्डियों से काम करते हुए आए इंडिया से जब आए थे ये उस दौरान से मतलब यहाँ पर भी आगे खड्डियों लगाई इंडिया में भी यही हाल करते थे और हम लोग भी आज तक यही कर रहे हैं। हम लोग तकरीबन 30 या 35 साल हो गए हमारे लोग इस काम में मगर इस गवर्नमेंट ने इस कारोबार को ख़त्म कर दिया कपड़े का जिस की हर जगह पे माल हमारा जाता था ये स्कॉप वगैरह रुमाल हम सब चीज़ें बनाते हो ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो हर मुल्क के अंदर अच्छा माना जाता है हर चीज़ अच्छी बनती है और दूसरे मुल्कों में नहीं बनता है। मगर इस गवर्नमेंट ने इस कारोबार को ख़त्म कर दिया कपड़े का जिस की अब ये सनत देना एकदम ही बिल्कुल ही बेकार हो गई। सब तमाम मशीनें यहाँ से टूट टूट के बिक गई है मतलब टोल में जा रही है कबाड़े में सब जा रही है। खादी हमारी मानी जाती है और हैदराबाद सिंध की और अच्छी खादी होती है जो पहनते लोग बोलते हैं वाकई चीज़ अच्छी है ठंडी होती है गर्मी के अंदर और सर्दी के अंदर गर्म करेगा वो कपड़ा। ये बनने के लिए तो बहुत से पहले इसके कोन वगैरह आते हैं फिर ये चरखे पे चलते हैं गिट्टे फिराए जाते हैं मशीनों में फिर उसके बाद ये चरखों पे बनाकर फिर ये भीम बनते हैं ये बन के आया नया भीम ये गिट्टे बनाते हैं ये लेडीज़ों घर के अंदर काम करती हैं उसके बाद अपने ये फिर चरखे पे लगा के इसको आर अपना बनाते हैं फिर ये लपेट के लाते हैं फिर मशीन पे लाके लगाया जाता है इस तरह लगती है फिर उसके बाद अपना ये कपड़ा के अपना तैयारी के लिए अमल जारी होता है। ये देखें हमारा लेटेस्ट डिज़ाइन ये रुमाल वगैरह हमारा चल रहा है बिल्कुल बेहतरीन माल ये देखें अभी तैयार है अभी और तैयारी की माल होगा सिंध के अंदर माना जाता है हमारे को कि हाँ ये चीज़ें अच्छी सकाफत वालों भी आते हैं सिंध म्यूज़ियम के मेरे पास आते हैं उनको मैंने माल भी दिया है दिखाया भी है बना के भी दे रहे हैं हम। ये आरा की कढ़ाई है ये हमारे बलूचिस्तान में पंजाब में सरहद में वहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा ही पसंद करती है इस कपड़े को। इस तरीके से डिज़ाइन पेपर पे छाप के दिया जाता है और हम इसके अंदर डालते हैं फिर वहाँ पे आ जाता है ये डिज़ाइन वहाँ चलाते हैं इसे। और मुझे अल्लाह के फजलो करम से मशीन चलाते हुए आज 12 साल हो गए हम सारे खुश हैं इस काम से बस क्या ये बिजली का मसला ख़त्म हो जाए तो दिन में 12 घंटे में 6 घंटे का पावर है और रात में भी 6 घंटे का 12 घंटे मुसलसल पावर होता है रात दिन इसमें आदमी क्या कमाएगा क्या खाएगा क्या नहाएगा और क्या धोएगा। पूरा पूरा दिन हम ऐसे ही बैठे रहते हैं पूरी ड्यूटी हमारी ख़राब जाती है रात को भी हम ऐसे ही अपना नींद हराम हो जाती है हम लोगों को उठ के काम करें या क्या करें इसलिए हम लोग एक ही शिफ्ट में अपना आप ही अपना लेटते बैठते उठते पावर गया आया फिर चालू कर लिया चला लिया बड़े मसाइल हो गए हमारे लिए। खुदाया हुकूमत से अपील है हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि आप लोग थोड़ा मेहरबानी करें इस इलाके में परेठाबाद अंसारी मेले में छोटी सनतों को मेहरबानी करें आप लोग हम कैसे बिल अदा करेंगे और क्या अपने बच्चों को कैसे पालेंगे सर जरा आप इस पर गौर करें जो छोटे सनतकार हैं उनको भी अगर आप लाइट देंगे तो सर हमारा कुछ काम चलेगा वरना हमारा काम नहीं चलेगा सर।